Proud to say two of our heritage buildings in Farrukhabad are listed in Intact Heritage Book of Risk Buildings 2020-21. History of Farrukhabad hamesha dharoharon ke sanrakshan ki baat karta raha hai. History of Farrukhabad ki shuruaat 2009 mein shuru ki gayi thi. उद्देश्य था खंडित पड़ी हमारी विरासत को जनता के सामने लाना, उन्हें इसके इतिहास से अवगत कराना। हमने भरपूर कोशिश कर फर्रुखाबाद को एक्सप्लोर किया। यही नहीं, हमने अपने निकटतम जिले हरदोई, मैनपुरी, कन्नौज व आंशिक रूप से एटा को भी कवर किया। इस मुहिम में हमें काफी सफलता मिली। जन जन ने हमारी इस मुहिम में हमें सहयोग दिया और अभी भी दे रहे हैं। अनेकों लोगों का कहना था लोकल हिस्ट्री में क्या रखा है। हमारी इस मुहिम में विश्व के अनेकों देशों, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया आदि में रहने वाले फर्रुखाबादियों ने बढ़ चढ़ कर अपना इंटरेस्ट दिखाया। पाकिस्तान में बंगश परिवार के लोग हमारे चैनल से जुड़े, अनेकों ने नई नई सूचनाएं दी। यही नहीं, 1857 के रिवर्सटाम में मारे गए ब्रिटिश जनरलों के पोतों ने भी हिस्ट्री ऑफ फर्रुखाबाद से प्रेरित हो फतेहगढ़ से कानपुर तक नाव द्वारा एक एडवेंचर ट्रिप कर संबंधित जगहों का भ्रमण किया। नवाब मोहम्मद खान बंगश के भाई नवाब हिम्मत खान के बारे में कोई नहीं जानता था। हिस्ट्री ऑफ फर्रुखाबाद के प्रयास से हमने उन्हें किताबों में ढूंढ निकाला। ये थे मेरठ में जहांगीराबाद के नवाब, जिनका मुस्तफा पैलेस आज भी मेरठ में खड़ा है। एक तलवार का धनी तो दूसरा कलम का। इतना ही नहीं, लोकल इतिहास से प्रेरित हो अनेकों विद्यार्थी PhD कर रहे हैं। उत्तरांचल के प्रोफेसर भदौरिया ने हमें हमेशा गाइड किया और अभी भी गाइड कर रहे हैं। फर्रुखाबाद कन्नौज में बचे कुचे खंडहरों को बचाने की मुहिम में सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी की। वहां भी हर्षकालीन अनेकों खंडहर खोजे गए हैं। एक बार भूपेंद्र सिंह जी के साथ इंटेक के लोगों ने संपर्क भी किया था। हमने उन्हें शाहजी की विश्रांति व अन्य बची धरोहरों को बचाने का आग्रह किया था। शायद उसी के परिणाम स्वरूप शाहजी की विश्रांति व लिंजीगंज का दरवाजा इंटेक की संरक्षित लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके लिए सभी प्रयासकर्ताओं को हिस्ट्री ऑफ फर्रुखाबाद की ओर से धन्यवाद। इसी के साथ ही असरदार लोगों द्वारा कब्जाई गई धरोहरों व महलों की जमीन भी कब्जा मुक्त कराई जाए। हमारा अनुरोध है कि कन्नौज के किले की खुदाई कराई जाए। अपनी अगली पोस्ट में हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हर्ष के किले के बारे में अवगत कराएंगे।